हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, सबसे पहले पिछली क्लास में दिए हुए क्वेश्चंस एंड सेंटेंसेस के जो होमवर्क में दिया था उसके आंसर आप देख लीजिए। ये रहे पिछले क्लास में दिए हुए सेंटेंसेस के इंग्लिश। आपने अगर बनाया है तो इसको अपने बनाए हुए आंसर से अच्छी तरह से मिला लीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द यूज ऑफ नीड। नीड का इस्तेमाल हम कब करते हैं, किस तरह के सेंटेंस के लिए करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, नीड का मतलब होता है जरूरत, जरूरत। ओके फ्रेंड्स, यानी कि रिक्वायर्ड, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है, कोई चीज़ आपको चाहिए। वैसी स्थिति में जब हम सेंटेंस बनाते हैं जैसे मुझे पेन की ज़रूरत है या मुझे पेन चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हम उसे इंग्लिश में बनाते वक्त नीड का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि मुझे पेन की ज़रूरत है, पेन की ज़रूरत है, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझे पेन चाहिए। ओके फ्रेंड्स, मीन्स दोनों सूरत में रिक्वायर है, चाहिए मतलब ज़रूरत है। तो आई नीड अ पेन। अब इसमें सीखने वाली क्या बात है, जितने भी ज़रूरत यानी कि ज़रूरत वाले सेंटेंसेस होंगे उसको नीड लगाकर बनाना है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन जब आई और यू को छोड़कर जब एक वचन की बात करेंगे, हम सेंटेंस में एक की बात करेंगे, तो उसमें नीड से लग जाएगा। जैसे उसे पेन की ज़रूरत है, पेन की ज़रूरत है, तो उसे पेन की ज़रूरत है, तो यहाँ पर ही नीड्स हो जाएगा, ही नीड्स पेन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ही नीड्स, नीड्स क्यों हो गया, ये नियम है, क्यों हो गया इसका कोई जवाब नहीं है, बट ये नियम है, नीड्स लगाते हैं किसके साथ, आई और यू को छोड़ के जितने भी सेंटेंस में एक के लिए अगर हम बात करते हैं और उसमें आई और यू नहीं है, कुछ और है, लेकिन एक की बात कर रहे हैं, तो उसमें नीड्स लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, बाकी सबके साथ नीड लगेगा। अब इसमें एक इन्फिनिटिव आता है, इन्फिनिटिव मतलब इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब। ओके फ्रेंड्स, यानी कि जब वर्ब वाला आता है, जैसे तुम्हें दवाई खाने की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इन्फिनिटिव क्या है, यहाँ पे खाने, यहाँ पे वर्ब आ गया, वर्ब की बात कर रहे हैं हम। जब भी किसी सेंटेंस में हम किसी भी वर्ब की बात कर रहे हैं, जैसे खाने पीने सोने उठने बैठने खेलने कूदने, यानी कि ने आएगा उसमें, वर्ब की यही पहचान रहेगी इसमें कि उसमें ने ज़रूर आएगा। जैसे उसे जाने की ज़रूरत है, तुम्हें सोने की ज़रूरत है, मुझे दूध पीने की ज़रूरत है, मुझे तुमसे बात करने की ज़रूरत है, मतलब ने आ रहा है, तो उसमें वर्ब आएगा, तो उसको बनाते वक्त हम नीड के बाद टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे तुम्हें है तो यू लिखेंगे यहाँ पर, यू नीड, उसके बाद टू लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ब आ रहा है। याद रखना कि जिस सेंटेंस में वर्ब आ रहा है उसी में नीड के बाद हम टू लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो नीड टू, उसके बाद वर्ब क्या है, खाने है, तो दवाई खाने के लिए हम ईट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, टेक का इस्तेमाल करते हैं, टेक मेडिसिन। ओके फ्रेंड्स, यू नीड टू टेक मेडिसिन। राधा को इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, राधा को इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, तो राधा को इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पर राधा भी एक वचन हो गया, यानी कि सिंगुलर नंबर। तो मैंने बताया था आई और यू को छोड़कर अगर एक की बात कर रहे हैं तो उसमें नीड्स लगेगा, तो राधा नीड्स हो जाएगा, नीड्स, फिर उसके बाद टू, क्योंकि यहाँ पर सीखने वर्ब आ रहा है, तो राधा नीड्स टू लर्न इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, राधा नीड्स टू लर्न इंग्लिश, ये हो गया इन्फिनिटिव, इसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स पे हम नज़र डालेंगे। तो नेगेटिव का जो फॉर्मूला है वो हम दो तरीके से बनाते हैं नीड वाले सेंटेंस को। जैसे
पहला जो तरीका है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर, और दूसरा जो तरीका है उसमें डोंट और डजंट लगाते हैं, जो मैं अभी आपको विस्तार से समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको। ओके फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ओके फ्रेंड्स, दूसरा जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ओके फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पर डू पहले एक सेंटेंस बनाते हैं जो सिंपल वाला है कि ही नीड्स नॉट पेन। ओके फ्रेंड्स, ही नीड्स नॉट पेन। अब इसको हम दूसरे तरीके से बनाएंगे, तो इसमें हम डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे, ये बहुत ही सिंपल है। आई और यू को छोड़कर, आई और यू को छोड़कर अगर सेंटेंस में किसी एक वचन की बात हो रही है, एक वचन यानी सिंगुलर नंबर, एक वचन की बात हो रही है तो उसमें डज लगेगा, और फिर उसमें नॉट लगाएंगे तो शॉर्ट फॉर्म में हम डजंट लिख देते हैं। ओके फ्रेंड्स, डजंट। उसके बाद इनको छोड़ के बाकी सबके साथ डोंट लगेगा, यानी कि एक के साथ, आई और यू नहीं होना चाहिए सेंटेंस में। अगर आई और यू को छोड़कर किसी भी एक चीज़ की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें डजंट लगेगा नेगेटिव सेंटेंस में, बाकी सब में डोंट लगेगा। इसमें हम एक की बात कर रहे हैं ना, ही नीड्स नॉट पेन, एक की बात कर रहे हैं, आई और यू नहीं है, दूसरा चीज़ है, तो ही की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ही डजंट हो जाएगा, ही डजंट नीड पेन। ओके फ्रेंड्स, अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो पहला हो जाएगा आई नीड नॉट यू। दूसरा हो जाएगा, चूँकि इसमें आई है, मैंने बताया था ना आई और यू को छोड़ के एक वचन रहेगा तो डजंट लगेगा, बाकी डोंट लगता है, तो इसमें आई है तो इसका मतलब इसमें डोंट लगेगा, आई डोंट नीड यू। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि अभी डोंट और डजंट यानी कि डज और डू का इस्तेमाल कहाँ करेंगे वो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि डू क्या होता है, अभी आप सोचेंगे कि डोंट की बात कर रहा है तो डू कहाँ से बोल रहा है, यही डू है, इसमें नॉट लगा दिया है तो शॉर्ट फॉर्म डोंट हो गया, इसमें डू के साथ डज के साथ नॉट लगा दिया है तो डजंट हो गया, यानी कि इसमें ये वाला डज है ये डू है। ओके फ्रेंड्स, तो डू का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और डज का इस्तेमाल कहाँ करेंगे ये समझ में आ गया होगा। अभी हम इसका इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड लेते हैं। यहाँ पर मैंने दो सेंटेंसेस लिखा है, एक इंटरोगेटिव है एक क्वेश्चन वर्ड। ओके फ्रेंड्स, इसको हम बनाते हुए समझते हैं। क्या उसे दवाई खाने की ज़रूरत है? तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसका हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लिखते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब नीड आ रहा है तो नीड्स उसे है तो ही नीड्स हो जाएगा, नीड्स ही टेक मेडिसिन। यहाँ पर टू लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ब आ रहा है, टू टेक मेडिसिन। ओके फ्रेंड्स, अभी इसमें दूसरा जो फॉर्मूला है वो डू डज लगाकर बनाते हैं, तो यहाँ पर एक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा, डज लगेगा, तो डज ही नीड, यहाँ पर नीड लगाना ही है, डज लगाते हैं तो टू टेक मेडिसिन। ओके फ्रेंड्स, अच्छा एक बात और, यहाँ पर जो नीड्स लगाया था यहाँ पर नीड लिखा है हमने, डज लगाने के बाद एस हट जाता है। ओके फ्रेंड्स, तुम्हें दवाई खाने की ज़रूरत क्यों है? तो हुआ ही, उसके बाद नीड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, यू टू टेक मेडिसिन। दूसरा तरीका है, इसमें किसकी बात कर रहे हैं हम, यू की बात कर रहे हैं, तो इसमें यू है तो यू रहेगा तो इसमें डू लगाएंगे, यानी कि किसी भी हम एक चीज़ की अगर बात कर रहे हैं आई और यू को छोड़कर तभी डज लगता है, लेकिन एक चीज़ की बात अगर आई और यू शामिल है उसमें तो उसमें डू लगेगा, वाई डू यू नीड टू टेक मेडिसिन। ओके फ्रेंड्स, ये अगर आपको अभी तक बिल्कुल ही समझ में नहीं आया होगा डू डज वाला, तो मैं आपको बता दूं कि पहले ऐसा पढ़ा चुका हूं, मैं अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर जो नीड वाला क्लासेस है वीडियो है उसको आप अच्छी तरह से देख लेना, उसमें अच्छी तरह से समझाया है। ओके फ्रेंड्स, नीड वाला, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ ही गया होगा, हम और प्रैक्टिस करते हैं उससे आपको और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर जाने यानी वर्ब आ गया तो इन्फिनिटिव हो गया, यू नीड टू गो टू स्कूल।
तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू गो टू स्कूल, या यू डोंट नीड टू गो टू स्कूल। उसे दूध पीने की ज़रूरत है, ही नीड्स टू ड्रिंक मिल्क। उसे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है, ही नीड्स नॉट टू ड्रिंक मिल्क, या ही डजंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। क्या उसे दूध पीने की ज़रूरत है, नीड्स ही टू ड्रिंक मिल्क, या डज ही नीड टू ड्रिंक मिल्क। उसे दूध पीने की ज़रूरत क्यों है, व्हाई नीड्स ही टू ड्रिंक मिल्क, या व्हाई डज ही नीड टू ड्रिंक मिल्क। उन लोगों को खेलने की ज़रूरत है, दे नीड टू प्ले। उन लोगों को खेलने की ज़रूरत नहीं है, दे नीड नॉट टू प्ले, या दे डोंट नीड टू प्ले। क्या उन लोगों को खेलने की ज़रूरत है, नीड दे टू प्ले, या डू दे नीड टू प्ले। उन लोगों को खेलने की ज़रूरत कब है, व्हेन नीड दे टू प्ले, या व्हेन डू दे नीड टू प्ले। ओके फ्रेंड्स, तुम्हारे पिताजी को नौकरों की ज़रूरत है, योर फादर नीड्स सर्वेंट। तुम्हारे पिताजी को नौकर की ज़रूरत नहीं है, योर फादर नीड्स नॉट सर्वेंट्स। योर फादर डजंट नीड सर्वेंट। क्या तुम्हारे पिताजी को नौकर की ज़रूरत है, नीड्स योर फादर सर्वेंट, या डज योर फादर नीड सर्वेंट। क्या तुम्हारे पिताजी को नौकर की ज़रूरत नहीं है, नीड्स योर फादर नॉट सर्वेंट, या डज योर फादर नॉट नीड सर्वेंट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं, डजंट योर फादर नीड सर्वेंट। ओके फ्रेंड्स, तुम्हारे पिताजी को नौकर की ज़रूरत क्यों है, व्हाई नीड्स योर फादर सर्वेंट, या व्हाई डज योर फादर नीड सर्वेंट। उसे जाने की ज़रूरत है, ही नीड्स टू गो। उसे जाने की ज़रूरत नहीं है, ही नीड्स नॉट टू गो, या ही डजंट नीड टू गो। क्या उसे जाने की ज़रूरत है, नीड्स ही टू गो, या डज ही नीड टू गो। उसे जाने की ज़रूरत कब है, व्हेन नीड्स ही टू गो, या व्हेन डज ही नीड टू गो। मुझे कुछ पैसे चाहिए, या मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, दोनों बोल सकते हैं हम, आई नीड सम मनी। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत नहीं है, आई नीड नॉट सम मनी। क्या मुझे पैसों की ज़रूरत है, नीड आई सम मनी। ओके फ्रेंड्स, तुम्हें मेरी बाइक कब चाहिए, व्हेन नीड यू माय बाइक, या व्हेन डू यू नीड माय बाइक। क्या उसे तुमसे मिलने की ज़रूरत है, नीड ही नीड्स ही टू मीट यू, या डज ही नीड टू मीट यू। उसे मुझसे मिलने की क्या ज़रूरत है, व्हाट नीड्स ही टू मीट मी, या व्हाट डज ही नीड टू मीट मी। तुम्हें रोज़ दूध पीने की ज़रूरत है, यू नीड टू ड्रिंक मिल्क एवरी डे। तुम्हारे भाई को अच्छे से पढ़ाई करने की ज़रूरत है, योर ब्रदर नीड्स स्टडी वेल। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे थे नीड्स और नीड्स से संबंधित सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि नीड में डू कहाँ लगाएंगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड में, और डज कहाँ लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे कि नीड का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। ओके फ्रेंड्स, कभी भी सेंटेंस में रिक्वायर दिखाया जा रहा हो, जैसे उसे पैसे चाहिए या उसे पैसों की ज़रूरत है, इन दोनों ही सूरत में हम नीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और वीडियो को
वैसे लोगों तक शेयर भी किया कीजिए जिन्हें इंग्लिश सीखने की बहुत ज़रूरत है, जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी हमारे चैनल पर आप नए हैं, अभी अभी आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।